हाय गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रा कैन में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, आपके पास कोई भी कैनन के जो सीरीज़ होते हैं उसमें आप कैसे ही 4x6 के शीट में 12 पीसेस फ़ोटो निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ोटो की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो को स्कैन कर लेते हैं फटाफट से। एंड हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फ़ोटो जो है स्कैन होना शुरू हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कैसे ही फ़ोटो को स्टॉक देते हैं एंड थोड़ी बहुत डिटेल यानी कि एडिटिंग के साथ हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो को 4x6 के शीट पे कैसे 12 पीसेस फ़ोटो आप निकाल सकते हैं, वो भी पूरी तरह से बॉर्डरलेस होगा दोस्तों, और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो को सबसे पहले एडोब फोटोशॉप पर ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम थोड़ी बहुत एडिटिंग इसमें कर लेंगे जिससे फ़ोटो काफ़ी विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए। अभी आप फ़ोटो देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर है एंड थोड़ी सी इसकी जो इफेक्टनेस है दोस्तों कम है, एंड इसे हमें थोड़ी सी ब्राइट करनी होगी एंड कलरफुल करना होगा जिससे जो प्रिंट आउट निकलेगा फ़ोटो की काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ की जो आकार होती है उसके हिसाब से फ़ोटो को क्रॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1.07 इंच रखनी है एंड हाइट आपको 1.33 इंच रखनी है, रेजोल्यूशन 300 रखनी है एंड आपको उसके बाद फ़ोटो को सिंपली क्रॉप कर लेना है। एंड क्रॉप करने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है जिससे कि फ़ोटो की जो साइड एज है वो बिल्कुल भी ना कटे। तो गाइस, अच्छे से कर लिया एंड थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप अच्छे तरह से सीख जाएंगे। फ़ोटो क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने मिलेगा, फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर है एंड उतनी क्लैरिटी नहीं है फ़ोटो पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसे हम थोड़ी सी और ब्लू कर लेंगे क्योंकि फ़ोटो में काफ़ी स्क्रैचेस थे, तो जब स्कैन किया था मैंने तो इस वक्त काफ़ी स्क्रैचेस थे फ़ोटो में। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को थोड़ी सी और ब्लू कर लेंगे। ब्लू करने के लिए सिंपली मैजिक टूल लेंगे एंड उसके बाद ब्लू इंक हम सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर देंगे फिल वाले से, एंड इससे भी थोड़े बहुत हमें क्या है बैकग्राउंड में ब्लू कलर देखने मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल टूल लेंगे एंड इसके बाद थोड़ी थोड़ी जगह पर जो छूटे होते हैं दोस्तों उसे हम जूम करके सिंपली इसे भी हम ब्लू कर लेंगे बैकग्राउंड को। गाइस, इसे फटाफट से कर लेते हैं हम एंड इसके बाद हम बताएंगे कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है स्टॉक देना, यार हमारे जो कलर हैं दोस्तों, जो भी टी शर्ट के जो कलर होते हैं उसे कैसे ही हम इन्हेंस कर सकते हैं, थोड़ी सी और लाइटिंग एंड डार्क के थ्रू हम अपने जो टी शर्ट एंड हेयर है उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह से वीडियो को बने रहिएगा एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फ़ोटो की प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है इस कैनन के जो जी सीरीज़ के मॉडल होते हैं। तो गाइस, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो टी शर्ट हैं उसको थोड़ी सी डार्क कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लाइट दिख रहे थे स्कैनिंग के बाद। एंड चलिए फटाफट से हमारे टी शर्ट को है दोस्तों जो लाइनिंग होती है ब्राउन कलर, एंड इसे हम थोड़ी थोड़ी लाइट वाइट कर लेते हैं जिससे हमारे टी शर्ट की कलर भी काफ़ी अच्छी लगने लगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो मैक्सिमम जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी हो चुका है, बस हमें इसे स्टॉक देना है। स्टॉक देने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे एंड यहाँ पर स्टॉक पर जाएंगे, आप अपना कोई भी पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली सेलेक्ट कर हमारे चारों तरफ जो बॉर्डर आ जाता है। तो गाइज, इसके बाद क्या करना है, हमें फ़ोटो को सिंपली हमारे जो A4 शीट 4x6 की जो शीट है दोस्तों उस पर हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपली 4x6 हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसे मूव टूल के थ्रू हम इसे 4x6 के शीट पर मूव कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसे एक के बाद एक कॉपी करते चले जाएंगे जिससे हमारा एक ही शीट पर 12 पीसेस फ़ोटो आ जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को सिंपली पूरी तरह से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस, शिफ्ट अल्ट शिफ्ट के साथ हम इसे
एक जगह से दूसरे जगह मूव करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। तो गाइस ये काफ़ी फटाफट मैं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग में स्लोली करिएगा क्योंकि आपसे थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो गाइस अल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो फोटो इधर उधर जाने की संभावना कम होती है। ये एक एरो यानी कि एक लाइन पर जाती है और सीधी सीधी होती है, और चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बॉर्डर रखिएगा जिससे कि आप प्रिंट निकालेंगे तो उस वक्त आपके फ़ोटो के जो साइड एज होते हैं वो बिल्कुल भी ना कटे। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ोटो को सबसे पहले तो सेव कर लेंगे हम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइट गोल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपका जो मेहनत है पूरा पानी हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सेव करने के रिकमेंड करूँगा आपको भी। तो गाइस इस तरह से सेव करने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोटो बिल्कुल भी जूम यानी कि ब्लर नहीं है, अभी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कमांड देने के लिए रेडी कर देंगे। एंड आप देखेंगे फ़ोटो ग्लॉसरी आ रही है, तो इसको सिंपली कलरफुल करने के लिए ऑप्शन पर जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पर, एंड यहाँ पर ग्लॉसरी प्रिंट को हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। तो आपका क्या होगा, आपका जो ग्लॉसरी पेपर था दोस्तों ये कलरफुल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अपना सेटिंग में थोड़ी बहुत A4 साइज जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसे 4x6 पर कर लेंगे, एंड यहाँ पर पेपर प्लेन रहता है तो इसे आप ग्लॉसरी फोटो टाइप 2 में कर लेंगे। एंड क्वालिटी दोस्तों स्टैंडर्ड रहती है, इसे आप हाई कर लेंगे। तो हाई करने के बाद क्या होगा, जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका अच्छी क्वालिटी पर निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिट को हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। एंड आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कैनन के जो प्रिंटर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास जो भी प्रिंटर है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4x4 की जो शीट होती है दोस्तों फोटो शीट, इसे आप सिंपली अपने प्रिंटर पर इस तरह से कुछ डाल लेंगे। एंड आपका जो एडजस्टेबल जो रहते हैं दोस्तों क्लिप, इसे आप बिल्कुल ही फिट कर लेंगे, ज़्यादा टाइट मत करिएगा जिससे कि फ़ोटो नीचे की ओर ना जा पाए, इतनी लूज़ रखिएगा बड़ी आसानी से ये फ़ोटो प्रिंट हो सके। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट ऑप्शन पर प्रिंट दबा देंगे, एंड उसके बाद आप देखेंगे ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इस पर। एंड ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं फ़ोटो प्रिंट होने के लिए चला चुका है अंदर, एंड आप देख सकेंगे प्रिंट काफ़ी अच्छी होती है। ये जो मैंने कैमरा यूज़ किया है ये काफ़ी लो मॉडल है, यानी कि मोबाइल से यूज़ कर रखा है प्रिंट यानी कि जो वीडियो बनाने में, इसलिए शायद आपको फ़ोटो उतनी अच्छी ना दिखे। तो गाइस मैं खुद बता देता हूँ, प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है कैनन की जो जी सीरीज़ के मॉडल होते हैं, इसमें प्रिंट जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है। एंड ये मोबाइल से मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो, तो गाइस मैं बता सकता हूँ इसकी जो क्वालिटी है, मैंने खुद भी देख रखी है, वीडियो की क्वालिटी उतनी खास नहीं आ रही है, पर मैं जो बता रहा हूँ उस पर बिलीव कीजिएगा। एंड फ़ोटो की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आती है, आपको ब्लू कलर देखने मिलेगा जो मैंने बैकग्राउंड पर मैंने थोड़ी सी डार्क वर्क की थी, एंड टी शर्ट में भी थोड़ी बहुत कलर इफेक्ट चेंज किए थे। एंड आप देख सकते हैं वीडियो में आप थोड़ी बहुत मतलब आइडिया लग जाएगा आपको कि किस क्वालिटी के जो इमेज कैनन के जो प्रिंटर होते हैं वो आउटपुट निकालते हैं आपके जो हैं प्रिंटर से। तो गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाइए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो यानी कि कोई भी प्रिंटर में प्रॉब्लम हो तो गाइस मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।